हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। बीएससी इज सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर। आज आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में जो लेक्चर टॉपिक है इसमें ध्यान देना, जो आपके कोर्स में लेक्चर टाइम टॉपिक नंबर 13 में आपका बचा हुआ था, फ्लड्स यानी बाढ़, फ्रॉस्ट पाला एंड हीट वेव एंड कोल्ड वेव, जिसको आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉस्ट, फ्लड्स, हीट वेव एंड कोल्ड वेव, जो मेट्रोलॉजी में आप जो देखते हैं कि मौसम विज्ञान के अंतर्गत जब हम क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत जब हम फसल उत्पादन से रिलेटेड अगर वहां पे हम स्टडी करते हैं तो वेदर यानी मौसम का विशेष वहां पे इंपॉर्टेंस होता है, जो कि मौसम को देखते हुए हम वहां पे क्रॉप के कल्टीवेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें वहां पे ध्यान देना चाहिए कि मौसम में जो चेंजिंग हो रही है, जो ऐसी कंडीशन वहां पे क्रिएट हो रही है, तो उसके विपरीत न जाकर के हम वहां पे उसके अकॉर्डिंग जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए क्रॉप के प्रोडक्शन को हम करें, क्रॉप के उत्पादन को लें, तो सबसे बेटर होता है। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वहां पे हमारी टोटल कॉस्ट वेस्ट हो जाती, नष्ट हो जाती। इसलिए वहां पे हमें मौसम विज्ञान का स्टडी करना चाहिए, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी प्रयोगशाला और मेट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो समय समय पे इसको जारी करते रहते हैं, वहां पे इसके लिए आपको अवेयर करते रहते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम वहां पे क्रॉप के लिए प्रोटेक्शन करें, सुरक्षा करें, जो आप आपका डिस्कस करेंगे। फ्रॉस्ट, जो पाला की कंडीशन ऐसी होती है कि जब आप देखते हैं कि विंटर सीजन में जो वहां पे डेयर बॉर्ड टेम्परेचर 32 डिग्री फारेनहाइट, ध्यान से सुनना, 32 डिग्री फारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो जब टेम्परेचर वहां पे हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर जो वहां पे चला जाता है, तो ये इफेक्ट होता है कि क्रॉप में उस समय जो उसकी केशिकाओं में, प्लांट की जो केशिकाओं में जो वाटर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आने पे जम जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो वाटर का सर्कुलेशन या कह सकते हैं जो वाटर का संवहन ब्रेक हो जाता है और प्लांट की जो केशिकाएं हैं फट जाती है, ब्लास्ट कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि फ्रॉस्ट का इफेक्ट क्रॉप पे अधिक होता है। तो विंटर सीजन में लाइक वीट यानी गेहूं की फसल है और बार्ले और कुछ पोटैटो क्रॉप पी, तो ऐसे क्रॉप उससे अफेक्टेड होती है, मस्टर्ड, तो इस तरीके से हम वहां पे उसको प्रोटेक्शन करें। उसके लिए एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम जब मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या प्रयोगशालाओं के द्वारा वहां पे जब डिक्लेयर किया जाता है, आपको सूचित किया जाता है कि पाला की कंडीशन होगी, फ्रॉस्ट की कंडीशन होगी, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि वहां पे नाइट में वाटर को फील्ड में इरिगेट कर दे, यानी वाटर को इरिगेशन के रूप में दे दे, जिससे कि वहां पे जो उसके प्लांट के केशिकाओं में वाटर वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट में नहीं आएगा। और दूसरा चीज, आसपास एरिया को हम वहां पे जैसे धुएं के रूप में जो फॉग
के रूप में वहां पे कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट वहां पे करें ताकि वहां का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे। किस तरीके से वहां पे ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है, तो वहां पे हम फ्रॉस्ट के लिए ये कंडीशन करके अपने क्रॉप यानी फसल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वहां पे उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए फार्मर को सबसे ज्यादा लॉस हानि फ्रॉस्ट के द्वारा होती है। विंटर सीजन में जो सीजन क्रॉप्स को लेते हैं रूप में, जैसे आपका वे बॉर्ले एंड आपके पल्सेस में पी लेंटिल एंड ट्यूबर क्रॉप्स में आपकी पोटैटो में, इससे आपके जो अफेक्टेड होते हैं, तो वहां पे हमें इसके लिए ध्यान देना चाहिए, जो इसका इसके बारे में जानना जरूरी है कि दिन में जब विंड हवाएं जो शांत रहे, और उसके बाद आप जो देखते हैं कि फिर जैसे ही रात में जो है उस शाम होने से पहले नम हवाएं जब चलने शुरू हो जाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे ये देखने को मिलता है। इसकी परिभाषा आप नोट कर लें फ्रॉस्ट की। फ्रॉस्ट इज ए थीन लेयर ऑफ आइस, फ्रॉस्ट इज ए थीन लेयर ऑफ आइस ऑन ए सॉलिड सरफेस विच फॉल फ्रॉम वाटर वेपर इन एन एवर फ्रीजिंग एटमोस्फियर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ए सॉलिड सरफेस हो टेम्परेचर इज बिलो 32 डिग्री फारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड रिजल्टिंग ऑन ए फेज चेंज फ्रॉम वाटर वेपर टू आइस एज द वाटर वेपर रीच द फ्रीजिंग पॉइंट। अभी आप जो हमने हिंदी बताया वही चीज इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन आपको बताई, तो उससे रिलेटेड आपके वहां पे प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए उसकी सुरक्षा के लिए हमें फ्रॉस्ट की कंडीशन जब विंटर सीजन में वहां पे कोल्ड जब क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन वहां पे देखने को मिलती है। इसलिए उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हमने आपको बताया कि जब फ्रॉस्ट की कंडीशन हो तो फार्मर को क्या करना चाहिए फील्ड में, यानी आपको जो पता है कि नाइट में फ्रॉस्ट की कंडीशन होगी तो दिन में हमें फील्ड में प्लांट के लिए इरिगेशन करना चाहिए, जिससे उसके प्लांट में जो कोशिकाएं हैं वो ब्लास्ट होने से वहां पे कंडीशन नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करते प्रोसेस, तो प्लांट पे उसको जो कोशिकाओं के द्वारा जो उसकी ब्लास्ट हो जाती है और प्लांट डैमेज हो जाएंगे, जो कि फार्मर को लॉस अधिक होगा, वहां पे उस कंडीशन में उसको हानियां अधिक होती है। टाइप्स ऑफ फ्रॉस्ट, उसके जो प्रकार कितने प्रकार के जो है कि फ्रॉस्ट पाए जाते हैं, जिसमें आप देखोगे पावर फ्रॉस्ट एंड सेकेंड आपका है एडवक्शन, एडवक्शन फॉर, उसके बाद नंबर थर्ड है विंडो फ्रॉस्ट एंड नंबर फोर रेन फ्रॉस्ट। इस कंडीशन में देखते हैं कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होता है पावर फ्रॉस्ट एंड एडवक्शन फॉर। एडवक्शन फ्रॉस्ट में हम देखते हैं कि जब कोल्ड जो वेव होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो उस कंडीशन में वहां पे इफेक्ट उसका ज्यादा होता है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉस्ट की जो डिफिनेशन, उसके ऑब्जेक्ट एंड उसके टाइप्स एंड उसके इंट्रोडक्शन, तो इसी जगह पे आपको उसको क्लियर कर दी। नेक्स्ट आपके टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपका फ्लड्स, ये आपका विंटर सीजन में होता है फ्रॉस्ट, और फ्लड जो होता है यानी बाढ़, बाढ़ की जब कंडीशन होती है ये आपका रेनी सीजन में होता है। ये जितनी है मौसम वेदर से रिलेटेड जो वहां पे आपको उसके द्वारा नुकसान होता है, उसके द्वारा वहां पे हानियां होती है, तो ये उसके जो मेजर जो कंडीशन वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन जब चेंज होती है तो ये प्रोसेस वहां पे देखने को मिलती है। तो वहां पे हम इससे बचने के लिए पहले से वहां प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, अगर उसके बारे में आपको
अवेयरनेस हो गई तो, जानकारी हो गई तो, जिसमें फ्लड्स में आप जो देखते हैं जो बाढ़ की कंडीशन आती है, हैवी रेनफॉल एंड कंटिन्यू रेनफॉल, जो इंडिया में रेनफॉल होती है नियर अबाउट आपकी एनुअल रेनफॉल मोर देन 1150 मिलीमीटर, मोर देन 1150 मिलीमीटर से जब अधिक रेनफॉल होती है तो आपके रेनी सीजन में आप देखते हैं रेनफेड कंडीशन में उस एरिया को लिया जाता है। बट उससे अधिक जब कंटिन्यू रेनफॉल नियर अबाउट 1 वीक 10 डेज कंटिन्यू हैवी रेनफॉल हो रही है तो देखते हैं कि जो सॉइल में जो पोर स्पेस होते हैं धीरे 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 ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने के बाद रन ऑफ कंडीशन बनती है और रन ऑफ कंडीशन में तो देखते हैं कि वहां पे वाटर ओवरफ्लो होकर के जो लोअर एरिया में वहां पे कलेक्ट होता है। आपके कुछ ऐसे वहां पे एरिया होती है जैसे आपको रिवर यानी नदी एंड आपके पॉन्ड्स लेक झील, तो जितने आपके वाटर कैचमेंट एरिया होती है वाटर कैचमेंट एरिया में जब वाटर फिलअप हो जाता है भर जाता है तो उसके बाद वो ओवरफ्लो होने लगता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है तो सरफेस एरिया में आ जाता है। सरफेस एरिया में जो देखते हैं कि जैसे जो ह्यूमन बीइंग एनिमल्स एंड जितने भी आपके सरफेस एरिया में ज्यादा वहां पर रहते हैं तो जब सरफेस एरिया में वाटर एंटर करता है तो वहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वहां पे जब जो देखते हैं कि वाटर फ्लड एरिया हो जाती है। तो वाटर फ्लड एरिया में ऐसे जो फ्लड की कंडीशन है जब कन्वर्ट होती है तो वहां पे क्रॉप्स जो हम प्लेन रीजन जो हम लेते हैं मैदानी क्षेत्रों में लेते हैं सरफेस एरिया में लेते हैं वो आपकी डैमेज हो जाती है, क्योंकि 24 आवर्स या 48 आवर्स या 72 आवर्स के बाद यानी 72 घंटे के बाद, उसके बाद भी अगर वाटर वहां पे नियर अबाउट 1 वीक 10 डेज वहां पे कलेक्ट है और फील्ड एरिया में है जो कि प्लांट आपका वहां पे उससे अफेक्टेड होते हैं, जो क्रॉप प्लांट है डैमेज हो जाते हैं, उसकी लीव उसके स्टेम रूट पे उसका इफेक्ट होता है, जो एक्सेस वाटर वहां पे जब होते हैं फ्लड एरिया में तो आपके क्रॉप पे डैमेज हो सकती है। तो इससे हमें प्रोटेक्शन के लिए बचाव के लिए कुछ जो वाटर फ्लो आपका है कंटिन्यू ऐसे एरिया यानी जो रिवर कैचमेंट एरिया है वहां से होकर के हम ऐसे प्लेस जो कि आगे उसको हम छोड़ दें जिससे कि वाटर निचले एरिया में चले जाते हैं तो आपके जो सरफेस एरिया है वो कंट्रोल में आ जाती है, अंडर कंट्रोल जब होती है तो वहां पे जनजीवन आपका अच्छे तरीके से चलता है सर्वाइव करता है। बट जब फ्लड की कंडीशन आप तो देखते हैं कि इस तरीके की जब होती है तो उससे पहले हमें जो रेनी वाटर है उसको ड्रेनेज चैनल के द्वारा हम बाहर उसको निकालने की प्रोसेस भी होनी चाहिए, या अंडरग्राउंड सरफेस में वाटर को वहां पे हम किस तरीके से मैनेज करें। बट जब कभी कभी आप देखते हैं कि फ्लड की कंडीशन में हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रेनफॉल नियर अबाउट 1 वीक 10 डेज तक होती रहती है तो एक्सेस वाटर वहां पे जो ओवरफ्लो होकर के सरफेस एरिया में पहुंच जाती है। इसकी डिफिनेशन इंग्लिश में भी लिख लेना, ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज स्प्रेड यानी फैलना फ्रॉम ए रिवर यानी नदियों में द सी समुद्र में एक्सेट्रा जो पॉन्ड्स एंड जो लोअर एरिया दैट कवर्स एन एरिया विच शुड बी ड्राई, जो पहले ड्राई एरिया थी वहां पे वाटर जो पूरे कैचमेंट जो वाटर कैचमेंट एरिया में ओवरफ्लो होकर के सरफेस जो ड्राई प्लेस है वहां पे भी जो कैच कर लेते हैं उसको पूरा कवर कर लेते हैं जिससे फ्लडिंग की कंडीशन आ जाती है और ये रेनी सीजन में आपको देखने को मिलता है। एंड कुछ ऐसे भी क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां पे देखते हैं विंटर रेन होती है लाइक वर्ल्ड जिसमें आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया है यूएस है तो वहां पे उस सीजन में आपको देखने को मिलता है। बट इंडिया में आपको देखते हैं रेनी सीजन यानी आपका जो खरीफ का सीजन होता है जो आपका नियर अबाउट जून से लेकर के आपका सितंबर यानी जो मानसून आपका आता है लगभग 1 जून केरल में आता है,
डिफरेंट प्लेसेस पे नियर अबाउट 15 जून या 20 जून तक आ जाता है, जो इफेक्टिव रहता है आपका सितंबर तक। तो उस कंडीशन में इस जो टाइम पीरियड में कभी भी जब हैवी रेनफॉल होती है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लड्स, कितने प्रकार के बाढ़ यानी फ्लड्स पाए जाते हैं इंडिया में। नियर अबाउट आपका 3 कॉमन टाइप्स ऑफ फ्लड्स होते हैं। 3 प्रकार के जो टाइप्स फ्लड के होते हैं, फर्स्ट है फ्लूवियल फ्लड्स, जिसको बोलते हैं रिवर फ्लड, यानी जो नदियों में वाटर ओवरफ्लो होकर के सरफेस एरिया में एंटर करता है, सरफेस एरिया में जब पहुंचता है तो इसको बोलते हैं रिवर फ्लड्स। एंड सेकेंड आपका है फ्लूवियल फ्लड्स, उसको अदर नेम से जानते हैं फ्लैश फ्लड एंड सरफेस वाटर। जो दो टाइप के आपके फ्लड होते हैं वो मेन इफेक्टिव होते हैं, पहला रिवर फ्लड और दूसरा आपका है फ्लैश फ्लड। एंड तीसरा आपका होता है कोस्टल फ्लड, जो कोस्टल एरिया में इसको आपको देखने को मिलता है, जो स्टॉक